सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि दिल्ली दंगे में आरोपी सिराज मोहम्मद अनवर को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से धर दबोचा। वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग ढाबे में बैठे चार लोगों को अचानक से पकड़ते हैं। ये वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर कई लोगों ने ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया है। तेलुगु टेक्स्ट के साथ भी ये वीडियो शेयर किया गया है। असल में ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन इन दोनों का दिल्ली दंगे से कोई संबंध नहीं है। पहले बात करते हैं वीडियो की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की अंडरकवर पुलिस ने रोड साइड ढाबे में चोरी और कथित बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद पुलिस ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि 27 जून को पाटन हाईवे के एक ढाबे से बलात्कार और वाहन चोरी के आरोप में किशोर कांतिलाल लुहार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इस व्यक्ति पर अलग अलग राज्यों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। किशोर के पास से पुलिस को बंदूक भी मिली थी। पुलिस ने इसके साथ बैठे तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन पूछताछ के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया था। अब वीडियो के साथ वायरल टेक्स्ट में मोहम्मद सिराज अनवर का नाम है। भरूच पुलिस ने 29 जून को एक प्रेस रिलीज शेयर की थी, जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सिराज अनवर को अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार किया गया है। भरूच पुलिस ने भी मोहम्मद सिराज अनवर कर दिल्ली दंगों में शामिल होने की बात नकार दी है। यानी दोनों ही मामलों में कहीं भी दिल्ली दंगे की बात नहीं की गई है। वीडियो अहमदाबाद में चोरी और कथित बलात्कार मामले के आरोपी के पकड़े जाने का है, जबकि मोहम्मद सिराज अनवर को अवैध हथियार के साथ भरूच पुलिस ने पकड़ा है।